उज्जैन भागवत कथा एक पौराणिक कथा है जो हिंदू धर्म में बहुत महत्वपूर्ण है। देखा जाए तो भागवत कथा कलयुग में साक्षात भगवान के दर्शन के बराबर होते हैं। श्रीमद् भागवत कथा के स्मरण करने के मात्र से ही सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अनंत पुण्यों की प्राप्ति होती है। श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करने हेतु देवता गण भी तरसते हैं और मानव प्राणी को इस कथा का लाभ व आशीर्वाद आसानी से भी मिल सकता है। इसी उद्देश्य से महाकाल वाणिज्य भजन मंडली की नारी शक्ति अन्नपूर्णा शर्मा, अंजू सोलंकी, मीना परिहार, संगीता भदौरिया, गीता नायक व गोपी पोरवाल के प्रयास व भगवान नागचंद्रेश्वर की असीम कृपा से स्थानीय महाकाल वाणिज्य केंद्र स्थित मुंबई वाले नाग देवता मंदिर बी सेक्टर में पंडित आराध्या विष्णु शर्मा जी की मुखारविंद से 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया था। रविवार को भागवत कथा का विश्राम हुआ। कथा श्रवण के लिए प्रतिदिन आसपास के श्रद्धालु सैकड़ों की संख्या में पहुंचे और कथा श्रवण कर जीवन को कृतार्थ किया है। ग्लोबल इंडिया टीवी से हाकम सिंह काकरेल की रिपोर्ट। जी बताएं, आज किस चीज को लेकर आपने धार्मिक कार्यक्रम रखा है, क्या उद्देश्य है इसका? राधे राधे। भगवान को बताया जा रहा है संस्कृति की भूमि के पुत्र भौमा कम होती जा रही है, उस उद्देश्य को लेकर हमारे महाकाल वाणिज्य महिला मंडली द्वारा भागवत कथा का 7 दिवसीय आयोजन किया गया है। इसके कथावाचक आचार्य विष्णु जी शर्मा, उनके मुखारविंद से 7 दिवसीय कथा का वाचन किया जा रहा है। जी क्या नाम है? हो गई किस चीज को कार्यक्रम लेकर, आज उद्देश्य क्या है इसका? सुबह की बात है कि हमारे महाकाल वाणिज्य केंद्र में भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। इसमें भागवत कथा विष्णु शर्मा जी द्वारा की जा रही है। बहुत सालों से सोच रहे थे कि यहाँ कुछ न कुछ धार्मिक प्रोग्राम होना चाहिए, तो मातृशक्ति ने बीड़ा उठाया और उन्होंने अपने ही बलबूते पर ये आयोजन कार्यक्रम होगा, जिसमें बड़ी संख्या में आस पास के श्रद्धालु आए और भागवत कथा का लाभ ले रहे हैं। क्या नाम है आपका? भाग सिंह सोलंकी, महाकाल वाणिज्य केंद्र। किस चीज का कार्यक्रम आपके द्वारा रखा, क्या उद्देश्य इस कार्यक्रम का? इस उद्देश्य रखे सबसे मिलना जुलना हो जाए, एक दूसरे से मिले, एक दूसरे से संपर्क बड़े कॉलोनी के अंदर, एक दूसरा एक दूसरे को पहचाने, कोई धर्म का काम हो, कोई नया नया आयोजन रखा जाए, धर्म का मंदिर बना हुआ 10-12 साल हमको रहते रहते हो, अभी तक कोई नया कार्यक्रम नहीं हुआ था, यहाँ बड़ा प्रोग्राम नहीं हुआ था इस कॉलोनी में, महिला मंडल ने मिलकर ये कार्यक्रम। क्या नाम है आपका? अन्नपूर्णा शर्मा। किस चीज को लेकर आज धार्मिक कार्यक्रम रखा गया, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि हमारी महाकाल वाणिज्य की सभी महिलाएं सनातन धर्म से जुड़े और सतत हमारी इस कार्यक्रम का प्रवाह गंगा बहती रहे और हर साल इस भागवत कथा का पूर्ण आयोजन करते रहे। आगामी प्रोग्राम हम शिव महाप्राण का भी करा सके, ऐसा सबका हम सहयोग भी चाहते हैं और सभी सहयोग कर रहे हैं, सभी महिलाएं यहाँ पर आ रही सतत और ज्ञान गंगा का आनंद प्राप्त कर रही हैं। क्या नाम है आपका? संगीता भदौरिया।